अरे दीवान जी, बहुत जल्दी आ गए भाई छुट्टी पे से। हाँ जी, बस माँ ते मिलन गया था, मिल आया। तबीयत कैसी है उनकी? हाँ जी ठीक है, अब तो बुखार सा था वो ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, चाय भेज दूँ एक मलाई मार? हाँ, भेज दियो। फूल बरसा। राजवीर आजा भाई, रामपाल सिंह होया घर? हाँ। और नू बता, गांव में सब ठीक ठाक है? हाँ ठीक है। और चाची का के डब है? ठीक है, वह तो बुखार था उतर गया। अच्छा अच्छा, वहा ना दिख रही कौन मैडम? हाँ। पता ना काल गई थी, बोले तो नहीं। कहाँ गई होगी? अपने घरों तो ना चली गई? नहीं, कदी उस कलवे ते मिलन गई हो। के सोचन लग गया? अरे कुछ ना, कुछ बता के ना गई ना? मुझे तो कुछ ना बतागी। अरे मैडम कहाँ गई है? मुझे के पता। फिर किसे पता है, तू तो असली वाला है। कुछ कह के तो गई होगी, कहाँ गई है? घर गई है या किसी और काम गई है? तेरे तक कोई जिक्र करा होगा? मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ से उठी, अंदर गई, चाबी ली और चली गई। कुछ तो गड़बड़ है राजवीर, फोन मिलाया था ने? हाँ मैंने फोन मिलाया था, लेकिन स्विच ऑफ जा रहा। स्विच ऑफ जा रहा? हाँ। अरे भैया कमाल हो गया, नाश हो लिया, हम तो गए। अरे कुछ बात भी होगी, क्या आफत आ गई? अरे जंगल में मिली किसी लड़की की लाश, पर वहाँ एसपी साहब पहुँच गए। अब यह कौन मर गई, कहीं नेहा तो नहीं है? अरे चलो यार, देखें तो सही कौन है, के मामला है। लड़की का मर्डर हुआ है या रेप की भी संभावना है? सर रेप की संभावना तो नहीं लग रही, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। जयवीर, ये लगा कौन सी चौकी में आता है? जैन सर। जैन सर, आप कौन? सर हम वो चौकी फलेरा से। ये इलाका चौकी फलेरा में आता है? हाँ जी। कौन इंचार्ज है यहाँ का? जी नेहा गौतम। आपके चौकी क्षेत्र में एक लड़की का मर्डर हो गया है, आप और आपके इंचार्ज सोए पड़े हैं, लाश के पास ये रिवॉल्वर और ये मोबाइल मिला है। साहब ये रिवॉल्वर और मोबाइल तो नेहा मैडम का है। इसका मतलब नेहा मैडम ने ही मर्डर किया है? साहब वो इसका मर्डर क्यों करेगी, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। क्यों करेंगी, कहाँ है वो? साहब वो तो कल से ही कहीं गई हुई है, आई नहीं अब तक। मतलब मर्डर करके फरार हो गई वो? साहब ये भी तो हो सकता है उनका किडनैप हो गया हो। मुझे मत बताओ क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। जयवीर सिंह जी सर, पूरी चौकी को सस्पेंड करो और नेहा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करो। ठीक है सर। साहब मैं कह रहा था। चुप रहिए, हमें जांच करने दीजिए। यू आर ऑल सस्पेंडेड, और जाइए। साहब मैं तो छुट्टी पे था। जयवीर सिंह, चौकी सस्पेंड रहेगी, एक्सेप्ट हिम। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए सर। राजवीर सिंह, यह लड़की कुछ दिन पहले चौकी आई थी। अच्छा। और किसी के बारे में कुछ बताना चाह रही थी। अच्छा, कौन हो सके वो मिल जा तो ये सारा मामला सॉल्व हो जा। अरे उसे बाद में ढूंढेंगे, पहले हम नेहा को तो ढूंढे। अकवा कहाँ है? उसे कहाँ ढूंढे, उसके घर फोन करके देख ले, क्या पता अपने घर गई हो। अरे नहीं, अगर वह अपने घर गई होती तो उसकी पिस्टल और उसका फोन यहाँ नहीं मिलता। इस मर्डर में नेहा से जुड़ी हुई कोई ना कोई बात जरूर है। हो सके ऐसा भी। साहब ये लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या बात हुई, यहाँ क्यों आयो? राजेश मैं नेहा मैडम के बारे में पूछने आया हूँ, वो दो दिन से गायब है। कल वो तुमसे मिली थी क्या? कल नहीं तो मेरे पास नहीं आई, बल्कि मैं तो कितने सालों बाद उससे वही चौकी में मिला था, उसके बाद नहीं मिला। उसका कोई कॉल आया हो, उसने कुछ बताया हो? नहीं तो, ना तो उसका मुझे कॉल आया, ना ही उसने मुझे कुछ बताया। कुछ तो वो किसी खतरे में थी या उसे किसी से खतरा था? अरे मैंने बोला ना, इन बातों से मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा टाइम खराब मत करो, अब तुम जाओ यहाँ से।
राजवीर। हाँ। इस बंदे का इस मर्डर में जरूर कोई ना कोई हाथ है और नेहा के गायब होने में। वो कैसे? भाई जब हमने इसे नेहा के गायब होने की बात बताई तो इसने उस बारे में कोई रिएक्शन नहीं दिया। नहीं तो ये कहीं फोन मिलाता हमसे पूछता कब गायब हुई कैसे गायब हुई। ये तो उल्टा हमसे ही बात नहीं करना चाह रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये उससे जुड़ा हुआ। और दूसरा इसने जो गिफ्ट नेहा को दिया था वो गिफ्ट इसके यहाँ रखा हुआ है। अच्छा। हाँ तू बस अब इस बंदे पे निगाह रख। मैं और सुराग जुटाता हूँ कुछ ना कुछ और मैं नेहा के कमरे में जाके देखता हूँ वो गिफ्ट है वहाँ या नहीं है। बस तू इस पे निगाह रखिए। ठीक है भी okay? मैं निगाह रखूंगा। हाँ हेलो। हेलो। हाँ रामपाल सिंह, ये यहाँ से गाड़ी लेकर के निकल गया। अच्छा तो फिर एक काम कर, तू मेरे फोन पे लाइव लोकेशन डाल के इसका पीछा कर। हाँ मैं भेज रहा हूँ। ठीक है। हाँ क्या हाल है उसके? मालूम नहीं जी, कमरे में बंद है, कल से हमने कमरा ही नहीं खोला। कुछ चाय पानी पिलाया? ना जी चाय पानी कुछ नहीं पिलाया। अरे मारोगे क्या उसे? कल से पानी तक नहीं पिलाया। दुश्मन थोड़ा ही है हमारी, दुल्हनिया है, जाओ लेकर आओ उसे। बस ठीक है जब लाए। उस्ताद जी बहुत फड़क रही है। कुछ हेकड़ी कम हुई या नहीं? अरे मुंह खोल दो भाई इसका, मारना थोड़ा ही है, इसके साथ तो हमें जीना है। फिर कहती हूँ मुझे छोड़ दे वरना पछताएगा। अच्छा तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूँ, तुम सस्पेंड हो चुकी हो। उस लड़की की हत्या के जुर्म में पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। क्या? अब तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, वरना कौन है जो तुम्हारी जान बचाएगा, सोचो। मेरी जान बचाने वाला है कमीने? वो हवलदार, वो खुद इस मामले में सस्पेंड हो चुका है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बक नहीं रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हारी पूरी चौकी सस्पेंड हो चुकी है। ओह माय गॉड। तुम अभी भी सोच रही हो वो आएगा? हाँ वो आएगा और जरूर आएगा। वो यहाँ आ जाएगा? उसकी इतनी हिम्मत? आ जाओगा नहीं आलिया, बस थोड़ा सा लेट हूँ। देख क्या रहे हो, पकड़ो उसको। अच्छा रामपाल तू सकाले ना आपको देखी ना तो मैं देख लूंगा। साला थारी तो तलाशती नौकरी खा गए, बदमाश बन रहे रे कगलट जिला नहीं।
छोड़ दो मुझे, मैं सब सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। रामपाल इसे छोड़ दो, कानून इसे सजा देगा। तुम एक बहादुर पुलिस वाले हो, तुम इसे गिरफ्तार करके कोर्ट तक पहुँचाओ। भाई रामपाल सिंह छोटी सभी, इसे भी टेक्कन दे उसी डूबे। ए खड़े हो, आ जा यहाँ आ जा। आप ठीक है? अब की गलती होगी? आप हूँ मैं? पागल हो तुम? हाँ वो तो मैं हूँ। नहीं बहुत अच्छे हो तुम। अच्छा अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तो पहले भी नहीं गया था, इंसान की मजबूरी इंसान से पता नहीं क्या करा देती है। नेहा हवलदार आ रहे हैं। आने दो, मैं किसी से नहीं डरती। अच्छा रामपाल मैडम कैसी हैं? मैडम बिल्कुल ठीक हैं। ठीक नहीं, आज मैं सुरक्षित हाथों में हूँ। रामपाल भाई मुझे माफ कर दे, मैं तुझे समझ नहीं पाया। अरे रामपाल को आज लोग कोई समझ ही नहीं पाया। रामपाल भाई आपकी वजह से हम बच गए, हमारी नौकरी बच गई है। सबसे बड़ी बात है कि मैडम बच गई है। अरे या ना बचती तो हम बच के करते। भाई रामपाल छुट्टी मेरी भी बहुत दिन। आज पुलिस विभाग और फलेरा चौकी के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारे एक हेड कांस्टेबल रामपाल सिंह धामा ने एक उलझे हुए हत्या केस को सुलझाकर पुलिस विभाग की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है और जनता में विश्वास जीता है और पूरी फलेरा चौकी को बहाल कराया है। रामपाल सिंह के साहस ईमानदारी अदम्य साहस को देखते हुए हमारे पुलिस विभाग ने इनको ASI के पद पर प्रमोट करने का निर्णय लिया है। इस शुभ अवसर पर रामपाल सिंह धामा को सम्मानित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है।